बात तो करेंगे ही ना, बिहार बचाने का वकालत तो करेंगे ही और कर भी रहे हैं, और सितंबर तक इंतजार कीजिए, फर्स्ट सेकेंड वीक पप्पू जी सबने सेकेंड वीक तक इंतजार करिए, आपको मजबूत विकल्प मिलेगा बिहार में। पार्टी बदल जाएगी सर, समाज की सारी इकाइयां तो सेम रहेगी, पप्पू यादव उसमें कैसे खड़े होंगे जी? पार्टी बदल जाएगी, आपकी पार्टी आ जाएगी सरकार में, लेकिन समाज की सारी इकाइयां तो सेम रहेगी, सिस्टम और बदलने की बात करते हैं। सर व्यक्ति से सिस्टम नहीं, व्यक्ति नेतृत्व से इकाइयां बदलती है जनाब, आप घबराइए नहीं, जिस राइफल में गोली नहीं चलता वही राइफल गोली भी चलाए। आपने सरेंडर कर दिया, आप ये सोच लिए कि अब हम सीएम नहीं बन सकते? सरेंडर करने का बिहार के हित में कुछ भी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। जब सब पॉजिटिव हो सकता है, जब सब पॉजिटिव हो सकता है और हम 70 लाख लोगों से मिल चुके, हम निगेटिव हैं, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? 436 गांव हम घूम चुके हैं और डेली 10,000 लोगों से हम मिलते हैं, जो मौत से खेलता हो उससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? सर ये महामारी है, आप सब जगह गए सर, बिना इसके आज भी तटस्थ हूँ, और मैं चाहता हूँ यदि रामविलास जी, चिराग जी, आप बिहार और बिहारी के हित में बात करते हैं, यदि आपने आईना दिखाया है तो रास्ते के लिए भी साथ आइए। और कांग्रेस के नेतृत्व से हमने आग्रह किया है कि आप एक नई थर्ड फ्रंट की वकालत कर आगे बढ़िए। मैं दलित नेतृत्व बिहार में चाहता हूं, ताकि एक मजबूत विकल्प की ओर हम बढ़े और बिहार को नंबर वन बिहार बनाने में हम लोग मिलकर काम करें। बिहार हद हो गया जात धर्म हिंदू मुसलमान, ये अब नहीं चलेगा, और इसीलिए मैं बार बार चिराग जी या कांग्रेस की मुखालफत की बात करता हूं, या नहीं कि चिराग जी के लिए मेरा कोई ऐसी बातें हैं, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि वो बिहार की बात करते रहे हैं और 15 साल के सुशासन को उन्होंने कहा है कि गलत हुआ है, बाढ़ और कोरोना पर खुल के बोले हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर, इसलिए चाहता हूं संभावना है आए और कोई दलित नेतृत्व दे। अब तो मीरा कुमार चिराग को क्यों नहीं, और यदि जात के आधार पर ही मूल्यांकन होता है गठबंधन का, तो 28-29% दलित है, मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल है 22% अत्यंत पिछड़ा है, मेरा ये सवाल है, और जब ऊंची जात के भाइयों को वोट देना ही है मोदी या लालू नीतीश को, तो फिर चिराग और पप्पू और मीरा क्यों नहीं, ये सवाल है पप्पू का, जात पात का सवाल नहीं है। कोई एक के साथ नाम देगा, या तो मीरा कुमार नहीं तो चिराग का सवाल करता। सर मैं दलित नेतृत्व पर कहा और कांग्रेस को कहा कि आप कांग्रेस से नेतृत्व दीजिए ना मीरा को, या चिराग पासवान यदि आता है बिहार के नेतृत्व के लिए तो मेरा पूरा सहयोग हो। मीरा कुमार आएंगे तो कैसे डिसाइड? निश्चित रूप से कांग्रेस और कोशिश करेंगे लोजपा कांग्रेस और भी जो वैचारिक गठबंधन के लोग हैं उनको लाकर। मगर अगर उन्होंने गारंटी नहीं ली तो? सर मेरे लिए दरवाजा जनता का खुला है, आपको पता नहीं है 73% जनता पप्पू यादव के साथ खड़ा, आप उसकी चिंता ना करिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है एक मजबूत विकल्प देना, इसलिए मैं लगातार ये सवाल पर खड़ा हूँ और बातचीत भी चल रही है।